आफ्टरनून। एडेप्टेशन वाला जो टॉपिक है हमारा स्टार्ट हो गया था, है ना। उसके अंदर हम मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन की बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने डेजर्ट प्लांट के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन होते हैं कि वो वहाँ सर्वाइव कर पाता है। तो हमने डेजर्ट प्लांट के अंदर देखा कि उसकी लीव्स है वो कुटिकल से कवर होती हैं, उसकी लीव जो है वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाती हैं। कुछ सेम प्लांट्स जो होते हैं जो दिन में अपने स्टोमेटा को क्लोज रखते हैं, रात में स्टोमेटा को ओपन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ एक और एग्जांपल इसने दे रखा है कि कोल्डर क्लाइमेट्स में रहने वाले जो मैमल्स होते हैं जनरली वो क्या होते हैं कि उनके जो ईयर्स होते हैं वो काफ़ी शॉर्ट होते हैं और लिम्स जो हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, तो जिसकी वजह से इनकी बॉडी से हीट लॉस क्या होता है, कम होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ शॉर्ट ईयर और शॉर्ट लिम्स की वजह से उनका बॉडी का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हमें पता है कि सरफेस एरिया इज़ द फंक्शन ऑफ हीट लॉस एंड हीट गेन, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो उनकी बॉडी से जो है वो कम हीट जो है वो लॉस होती है। इसको जो है एलन रूल नाम दिया गया कि जो ऑर्गेनिज्म जो है जो क्लाइमेट कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं उनके ईयर्स और लिम्स जो हैं वो छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हीट लॉस कम होता है। इसको बोला गया एलन रूल। एक रूल तो मैंने ग्लोजर्स रूल बताया था ऑनलाइन क्लास के अंदर कि एनिमल्स जो हैं वो जो इक्वेटर पर रहते हैं तो उनकी स्किन कलर क्या स्किन का जो कलर होता है वो क्या होता है, डार्कर होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ उनकी बॉडी के अंदर मेलानिन जो है वो ज़्यादा सीक्रेट होता है। इन द पोलर सीज एक्वेटिक मेमल्स लाइक सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट बिलो दियर स्किन एंड एक्ट एज एन इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। इन पोलर सीज एक्वेटिक मेमल्स लाइक सील, तो जो पोलर एरिया के अंदर जो सी होते हैं, जो एरिया सी का जो एरिया पोलर एरिया के अंदर होता है, वहाँ के जो मेमल्स होते हैं जैसे सील की बात कर रहा है, तो उनकी बॉडी के ऊपर क्या होता है, एक थिक लेयर ऑफ फैट होती है, इसको ब्लूबर बोलते हैं। तो एक्चुअली में जो थिक लेयर ऑफ फैट है जो ब्लूबर है वो एक्चुअली में एक इंसुलेटर की तरह काम करती है। तो हमें पता है इंसुलेटर क्या होते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो किसी भी जैसे हम बोले हीट इंसुलेटर की बात करें तो हीट इंसुलेटर क्या होता है, जो हीट को अपने में से जो है वो जो है ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। जैसे यहाँ पर जो बॉडी का जो फैट है वो क्या करता है, हीट को बॉडी से बाहर निकलने में रोकता है, प्रिवेंट करता है, जिससे बॉडी का हीट बॉडी के अंदर ही बना रहता है, जिससे हीट लॉस क्या होता है, कम होता है। तो यही दे रखा है, एक्वेटिक मेमल्स लाइक सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट बिलो दियर स्किन एंड एक्ट एज ए इंसुलेटर एंड रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। ओके, तो ये था मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। सम ऑर्गेनिज्म पोजेस एडेप्टेशन दैट आर फिजियोलॉजिकल विच अलाउ देम टू रेस्पॉन्ड क्विकली टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। इफ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई एल्टीट्यूड प्लेस, अगर आप कहीं हाई एल्टीट्यूड प्लेस पर गए हो जो कि 3500 मीटर, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि जो रोहतांग पास है मनाली में मानसरोवर के अंदर, जो चाइना के अंदर, ठीक है, तो लगभग वो कितना है, 3.5 किलोमीटर ऊपर है ना। तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस द व्हाट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। तो वहाँ पर आप जाते हो तो आपको एल्टीट्यूड सिकनेस जो है वो महसूस होती है। तो एल्टीट्यूड सिकनेस एक्चुअली में क्या है, आपको कुछ सिम्टम्स जो है आपकी बॉडी के अंदर दिखाई देंगे, सफोकेशन स्टार्ट होगा। सिम्टम इंक्लूड नोजिया, वोमिटिंग जैसा आपको फील हो सकता है, फटीग, आपको थकान महसूस होती है, हार्ट पल्पिटेशन, आपका हार्ट जो है वो तेज़ी से पल्पिटेट कर सकता है, मतलब तेज़ी से धड़क सकता है, ठीक है। ये सारी जो हैं वो एल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स हैं। दिस इज़ बिकॉज इन लो एटमोसफेयर प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ जो अचानक से पहाड़ों पर जाने वाले लोग हैं जो एल्टीट्यूड पर अचानक से गए हैं, जो जनरली वो रहते कहाँ हैं, प्लेन्स में रहते हैं, लेकिन अगर वो अचानक से एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड पर आते हैं, तो प्लेन का जो एटमोसफेयर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है और वहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट पर भी वो ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में बॉडी के अंदर जाएगा, जिससे वो आराम से रेस्पायर कर सकते हैं और बॉडी के अंदर कोई इस तरह के सिम्टम नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर वो पर्सन कहाँ जा रहा है, वो हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है, तो हमें पता है कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो पर्सन है उसको इस तरह के सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। तो लेकिन क्या होता है कि बट ग्रेजुअली यू गेट एसलिमिटाइज एंड स्टॉप एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। लेकिन अगर आप लगातार उस जगह पर रह रहे हैं तो आपके अंदर जो ये सिम्टम्स हैं वो
धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, एल्टरसनेस के जो सिम्टम है वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो हाउ डिड यूर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो आपकी बॉडी ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करती है, तो उसके तीन मेथड यहाँ दे रखे हैं, तीन मैकेनिज्म दे रखे हैं। पहला, बॉडी जो है लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को कंपनसेट करने के लिए, लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी अगर हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन कम है तो उस कंडीशन में पहला तो बॉडी क्या करेगी, आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ा देगी। दूसरा, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, दूसरा हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी क्या कर देगी, कम कर देगी। एंड तीसरा क्या है, ब्रीदिंग रेट क्या कर देगी, बढ़ा देगी। तो तीन चीज़ें जो हैं बॉडी के अंदर होंगी जिसकी वजह से हम वहाँ हाई एल्टीट्यूड पर भी क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, आसानी से वहाँ पर जो है रह पाएंगे। मैनी ट्राइब्स लिव इन द हाई एल्टीट्यूड इन हिमालय, फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव हाई रेड ब्लड सेल्स काउंट देन पीपल लिविंग इन द प्लेन। ठीक है, तो जनरली जो हिमालय एरिया में रहते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं, तो उनके अंदर रेड ब्लड सेल्स काउंट क्या होता है, जनरली क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जनरली जो बर्फ़ में रहने वाले हैं या जो ऊपर रहने वाले लोग हैं, जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग हैं, तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन काउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। इन मोस्ट एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड हैंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज, इन ह्यूमन इट इज़ 37 डिग्री। तो इन मोस्ट एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हैंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज। तो ह्यूमन की बात कर रहा है कि ह्यूमन के अंदर जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है वो नैरो टेम्परेचर रेंज तक ही उनको सर्वाइव करने लायक बनाते हैं। ठीक है, नैरो टेम्परेचर रेंज का मतलब है कि ह्यूमन जो है, जनरली देखो, ह्यूमन जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर भी रह रहा है, ह्यूमन जो है वो 40-45 डिग्री सेल्सियस पर भी रह रहा है। तो मतलब अलग अलग टेम्परेचर पर ह्यूमन रह रहा है। लेकिन क्या हो अगर टेम्परेचर 50 से अबव हो जाए, 60 से अबव हो जाए, तो वहाँ क्या ह्यूमन बींग जो है वो सर्वाइव कर पाएंगे, तो वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बिकॉज ऑफ उनका जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उनकी बॉडी के अंदर वाला होने वाला जो मेटाबॉलिज्म है, उनकी बॉडी के अंदर होने वाली जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, वो उसका उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी है। ठीक है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है कि बट देर आर माइक्रोब्स लाइक आर्किबैक्टीरिया डेट फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग्स एंड डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स वे टेम्परेचर वार एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? तो ये आगे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस पर रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर किस तरह से सर्वाइव कर पा रहे हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या है। ठीक है, तो हो सकता है कि उन बैक्टीरिया के अंदर जो होने वाली बायोकेमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस है, उनके अंदर बनने वाले, उनके अंदर यूज़ आने वाले प्रोटीन्स हैं, उनके अंदर यूज़ आने वाले एंजाइम्स हैं, वो हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटी को शो कर पाते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जैसे नॉर्मल जो इंसान है, नॉर्मल जो पर्सन है, या नॉर्मल जो ऑर्गेनिज्म है, वो जो मिनिमम टेम्परेचर पर रहते हैं, कम टेम्परेचर पर रहते हैं, तो अगर वो हाई टेम्परेचर पर रहते हैं तो होता क्या है, उनकी बॉडी के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर जो एंजाइम वर्किंग कर रहे हैं, प्रोटीन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, सेल्स वर्क कर रही हैं, तो उनकी वर्किंग एक्चुअली में क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जो ये बैक्टीरिया है, तो इनके अंदर हो सकता है कि इनके अंदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करने वाले एंजाइम्स जो हैं वो इस तरह से चेंज हो चुके हैं कि वो हाई डिग्री टेम्परेचर पर भी क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, अपना परफॉर्मेंस शो करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लें, और हमने पढ़ा भी है कि जो थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया होते हैं, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस वाले हाइड्रोथर्मल वेंट्स में पाए जाते हैं, तो इन बैक्टीरिया के अंदर स्पेशल पोलीमरेज एंजाइम होता है, जिसको बोलते हैं टेक पोलीमरेज एंजाइम। टेक पोलीमरेज एंजाइम जो है उनके अंदर डीएनए पोलीमरेज की तरह काम करता है, जो उनके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जनरली जो प्रोटीन या एंजाइम्स होते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस पर डीनेचर हो जाते हैं और फंक्शन करना बंद कर देते हैं, लेकिन इस बैक्टीरिया के अंदर के जो एंजाइम है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। तो यही रीज़न है कि ये बैक्टीरिया 100 डिग्री सेल्सियस पर भी क्या कर पाता है, रह पाता है, सर्वाइव कर पाता है। ठीक है, आगे, मैनी फिश थ्रिव इन द अंटार्कटिक वेयर वाटर वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो 0। हाउ डू दे मैनेज टू कीप दियर बॉडी फ्लूड फ्रॉम फ्रीजिंग? तो आगे ये बोल रहा है कि उन फिशेस का क्या है जो अंटार्कटिक सीज के अंदर, जहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है, तो वहाँ पर वो फिश किस तरह से सर्वाइव कर पाती है, उनकी बॉडी फ्रीज क्यों नहीं होती है? तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि उनकी बॉडी के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जिनको एंटी फ्रीजिंग प्रोटीन बोलते हैं। वो प्रोटीन उनके बॉडी फ्लूड को फ्रीज होने से क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, अ लार्ज वेराइटी ऑफ मरीन इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव इन द ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर द प्रेशर कुड बी मोर देन 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमोसफेयर प्रेशर डेट वी एक्सपीरियंस।
आगे एक और क्वेश्चन इसने पूछा है कि जो फिशेस डीप सी के अंदर रहती हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वो अगर डीप सी के अंदर रह रही है तो वाटर का प्रेशर उन पर काफ़ी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा अंदर तक वो रह रही है, तो पानी का प्रेशर, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो है पानी का प्रेशर तो लगेगा उन पर। तो वो इतने प्रेशर के बाद भी, क्योंकि वहाँ का जो प्रेशर होता है एटमोसफियर प्रेशर से लगभग 100 गुना ज़्यादा होता है डीप सी का प्रेशर, तो वहाँ पर वो फिशेस किस तरह से सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, जैसे मान लो उसकी जो बोन्स होती हैं, उनका जो स्केलेटन होता है, उनके अंदर गैप्स पाए जाते हैं, या बोल सकते हैं उनकी जो मेम्ब्रेन होती है, या हो सकता है कि उनके अंदर कुछ स्पेशल इस तरह के प्रोटीन होते हैं जो उनको उस प्रेशर को सहने लायक बनाते हैं, ठीक है। हाउ डू दे लिव अंडर सच क्रशिंग प्रेशर एंड डू दे हैव एनी स्पेशल एंजाइम्स, ठीक है। ऑर्गेनिज्म लिव इन द सम एक्सट्रीम एनवायरमेंट शो अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल एडेप्टेशन। लास्ट पैराग्राफ जो है वो किसको शो कर रहा है, लास्ट पैराग्राफ में ये बता रहा है कि किस तरह से बिहेवियर एडेप्टेशन शो करता है। भाई अभी तक तो हमने देखा कि ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉर्फोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन देखे जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं तो वहाँ सर्वाइव कर पाते हैं। लेकिन ये आगे बोल रहा है कि सम ऑर्गेनिज्म हाउ बिहेवियरल रेस्पॉन्स टू कोप विद वेरिएशंस इन दियर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो फिजियोलॉजिकल और मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन ना शो करके वो बिहेवियरल एडेप्टेशन शो करते हैं, तो बिहेवियरल एडेप्टेशन शो करके वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, उसका एग्जाम्पल दे रखा है। डेजर्ट लिजार्ट लैक द फिजियोलॉजिकल एबिलिटी डेट मेमल्स हैव डील टू विद हाई टेम्परेचर। जनरली मेमल्स क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर पर मेमल्स क्या करते हैं, अपना टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर क्या रखते हैं, कॉन्स्टेंट रखते हैं, ठीक है। मेमल्स जनरली चाहे टेम्परेचर 0 पर हो, चाहे टेम्परेचर 40 पर हो, हमारा बॉडी का टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है, 37 डिग्री रहता है, मतलब हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं डेजर्ट लिजार्ड की, तो वो अपना बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करती है, ठीक है, क्योंकि वो उसका बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, कि वो टेम्परेचर अगर कम होगा तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। तो फिर वो किस तरह से वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करती है, तो वो शो करती है बिहेवियरल अडेप्टेशन। मतलब किस तरह से बिहेवियरल अडेप्टेशन को समझेंगे, जब टेम्परेचर कम होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो जो डेजर्ट लिजार्ट है वो क्या करती है, वो सन बाथिंग करती है, मतलब सनलाइट में थोड़ी देर वो सनलाइट में रुकती है और सनलाइट को एब्जॉर्ब करती है बॉडी के अंदर, और बॉडी को के अंदर सनलाइट एब्जॉर्ब करके बॉडी में हीट जनरेट करती है। ये कब होगा, जब इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर क्या है, लो है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो लिजार्ड क्या करेगी, लिजार्ड ऐसी जगह पर चली जाएगी जहाँ पर क्या होता है, शेड होती है, छाया होती है। तो इस तरह से वो बिहेवियरल अडेप्टेशन शो करती है, अपने बिहेवियर के थ्रू, अपने बिहेवियर चेंज करके अपने आप को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लिजार्ड की बात करें, हम ह्यूमंस की भी बात कर सकते हैं। गर्मियों में जब तेज गर्मी पड़ती है तो हम क्या करते हैं, कहीं छाया ढूंढने की कोशिश करते हैं। गर्मियों में जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम कहीं क्या करते हैं, छाया ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हम धूप में जाने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, बिकॉज ऑफ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बॉडी का टेम्परेचर जो है मेंटेन रखने की कोशिश कर रहे हैं बिहेवियरल तरीके से, ठीक है। वैसे तो हमारी बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है कि बॉडी का टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, 37 डिग्री, फिर भी हम बिहेवियरल अडेप्टेशन भी शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सम स्पीसीज आर केपेबल टू बरोइंग इन टू द सोइल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबोव ग्राउंड हीट, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जमीन में बिल बना कर रहते हैं, क्यों, क्योंकि जमीन के नीचे बिल बना कर, जमीन की जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, तो उस सरफेस पर वो नहीं रह पाएंगे, तो बिल इसलिए बनाते हैं ताकि वो क्या कर सके, जो हीट है बॉडी का, जो हीट है उसको बढ़ने से रोक सके, ताकि वो अपनी सेल्स और अपनी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। सम स्पीसीज आर केपेबल टू बरोइंग, समझ में आ रही है, कुछ स्पीसीज जो है वो बर्रोइंग करने में या बिल बनाने में सोइल के अंदर जो है माहिर होती है, और उसके अंदर जाकर छिप जाती है जब गर्मी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। ये तो थारा, ये सारा जो था वो अडेप्टेशन के बारे में था, आई होप समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉपुलेशन की, और कोई भी डाउट हो तो ऑनलाइन क्लास के अंदर इसका हम डिस्कस कर लेंगे, ओके। चलो थैंक यू।